दोस्तों मेरे सामने है तीन अलग अलग टाइप के क्रोमबुक्स। जी हाँ, एक चीज कहूं, ये जो क्रोमबुक्स होते हैं ना, मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड डिवाइसेस हैं, क्योंकि अगर उनके वैल्यू के पास आप देखोगे और अगर आप उनके यूज केसेस देखोगे तो मुझे लगता है दे बिकम अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बहुत सारे लोगों के लिए। लिटरली 15,000 के अराउंड उस प्राइस रेंज में ये स्टार्ट होते हैं, दे गो ऑल द वे अप। लेकिन अगर 15-16 हजार में एक फोन के प्राइस में आपको क्रोमबुक मिल रहा है, दैट इज क्रेजी। डील्स के बारे में बताने वाला हूं, एंड तक रुकिए, आपको पता चल जाएगा क्या प्राइजेस हैं सभी के, एंड ऑफर्स भी बहुत चल रहे हैं, सो वेट फॉर दैट। बट लेट मी टॉक अबाउट दीज वंस फॉर अ बिट। दोस्तों अगर आप इसके पास देखोगे, दिस इज CM3, इट इज लाइट वेट। अगर एक बुक आप हाथ में लोगे तो कैसे लगता है, इट इज एग्जैक्टली द सेम। ये फोलियो केस के साथ आता है, बट दिस इज अ टैबलेट। जी हाँ, ये एक टैबलेट है अलॉन्ग विथ कीबोर्ड, एंड देन स्टैंड भी है, वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल और वेदर इट इज वर्टिकल, That is very very interesting. ये है CX3 दोस्तों। अगर आपको ज्यादा पावर वगैरह चाहिए तो आप इसके पास देख सकते हो, बड़ी स्क्रीन चाहिए क्रोमबुक्स में उसके पास देख सकते हो। ये तो i5 हमारे पास है दोस्तों, इसमें i7 भी आता है, वो भी 16GB रैम के साथ, that is overkill. लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव है वो है ये दोस्तों। जी हाँ, दिस वन, दिस इज अ rugged क्रोमबुक। मतलब लिटरली अगर मेरे हाथ में गिर गया, yes, I did it very easily, क्योंकि ये जो है ये literally military grade है। In fact, बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चे जो सब कुछ गिराते वगैरह, उनके लिए भी ये perfect है। क्यों? क्योंकि आप कैसी भी इसे इस्तेमाल कीजिए, you should not have any problems। और अगर सभी के पास देखोगे, ये जो displays हैं, those are touch screen Chromebooks। Additionally दोस्तों, stylus, अगर आप artist वगैरह हो या फिर आपके बच्चों को स्क्रीन के ऊपर भी लिखना है, you can do it with that garage stylus। और Chromebooks का सबसे बड़ा फायदा पता है, अगर you are on the move और बैटरी बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, आप दिन भर काम करते हो, 8-9-10 घंटे भी काम करते हो, सबकी जो बैटरी लाइफ है इज मोर देन 10 आवर्स। जी हाँ, इसमें 12 घंटे की है, लिटरली 11-12 आवर्स बैकअप मिलता है। तो सुबह आप चार्ज कीजिए, दिन भर इस्तेमाल कीजिए, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और क्रोमबुक्स आपको पता है दोस्तों, ज्यादा पावर खाते नहीं है, और उसकी वजह से ये जो बैटरी लाइफ है इतनी ज्यादा होती है। एवरी क्रोमबुक हैज मोर देन 10 आवर बैटरी लाइफ। और सभी में टाइप सी पोर्ट्स आते हैं, टाइप सी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इनफैक्ट जब आप लोगे तो 45 वॉट चार्जर आता है जो पावर डिलीवरी भी करता है, तो मोबाइल भी आप उससे चार्ज कर पाओगे। वैसे कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों, सभी वाईफाई एंड ब्लूटूथ को सपोर्ट करते हैं, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर मैं यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं दोस्तों, इट इज वेरी क्लोज टू एंड्रॉइड फोन, जस्ट विद अ बिगर स्क्रीन, टच वगैरह तो सब कुछ है। सो अगर आप एक एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हो, यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, जो कंट्रोल सेंटर है, नीचे से आप स्वाइप करोगे तो लाइक एंड्रॉइड ऐप ड्रॉअर, वैसे ही ऊपर सब एप्स आ जाएंगे। ऐप स्टोर आपको मिलता है, तो एंड्रॉइड के जो भी एप्स आपको इंस्टॉल करने हैं वो भी आप कर पाओगे। अगेन स्टोरेज के बारे में बात करूं दोस्तों, सभी के ऊपर ऑनबोर्ड स्टोरेज तो आता ही है। फॉर एग्जाम्पल, CT214 में 32GB आपको स्टोरेज मिलता है। वैसे दोस्तों, सभी क्रोमबुक्स के ऊपर 100GB का क्लाउड स्टोरेज भी आपको मिलता है, तो अगर आपको कुछ स्टोर करके रखना है, यू कैन जस्ट अपलोड इट टू द क्लाउड। और हाँ, कैमरास दोस्तों, फ्रंट और रेयर दोनों भी है। ये लैपटॉप्स है लेकिन फ्रंट और रेयर भी है। फॉर एग्जांपल, दिस वन हियर, यू हैव अ कैमरा, वर्ल्ड फेसिंग कैमरा कहता है Asus इसे। सो दिस वन इज अ वर्ल्ड फेसिंग कैमरा। और पीछे से रेयर से आपको निकालना है, अगेन ऑन द रेयर ऑल्सो यू हैव दैट कैमरा। सो या, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो किन लोगों ने लेना चाहिए क्रोमबुक्स? बेसिकली आपको बैटरी लंबी चाहिए, 8-10 घंटे का बैकअप चाहिए। Yes, if you are always on internet, Chromebooks really make sense. अगर आपके बच्चों को आपको एक लैपटॉप देना है एंड यू वॉन्ट देम टू टाइप ऑल्सो, उसके ऊपर गेम्स वगैरह भी खेलने हैं, छोटे मोटे गेम्स खेलने हैं या फिर मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, वो उसके लिए ये डेफिनेटली अच्छा है। और जैसे ने कहा, दे आर क्वाइट rugged. एंड फाइनली वैल्यू, अगर क्रोमबुक के पास आप देखोगे, उनकी प्राइसिंग देखोगे, तो जनरली वो लैपटॉप से कम प्राइस में आते हैं। तो अगर प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऑफर बता दूं दोस्तों, ये जनरली 18-19 हजार का मिलता है, ये अब 15,300 से भी कम के प्राइस में मिलने वाला है इस सेल में। वैसे सब डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, अलग अलग वेरियंट्स के अलग अलग प्राइसिंग है। लेकिन अगर मैं डिस्काउंट्स के बारे में बात करूं, तो 1,000 से लेकर 6,000 तक अलग अलग वेरियंट्स के ऊपर, अलग अलग मॉडल्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, सभी के लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रोमबुक, राइट नाउ इज द टाइम टू बाय।
Asus Chromebooks. वैसे ये बजट सीरीज का हो गया, अगर आपको हायर पावर वगैरह चाहिए, ज्यादा अच्छा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसकी जो प्राइस है दोस्तों कुछ 28,240, 28,000 के थोड़े ऊपर है। तो अगर आपको ऑन द गो कोई डिवाइस चाहिए विच इज वेरी वेरी पोर्टेबल, साथ में टैबलेट भी आप इस्तेमाल करते हो, आपको कीबोर्ड वगैरह चाहिए, दिस इज अ परफेक्ट फिट। इवन इफ यू आर आर्टिस्ट, आपको ड्रॉ करना है बाहर जाके कहीं पे, वाओ दिस इज परफेक्ट। ओनली थिंग कनेक्टिविटी। और फाइनली ये सुपर पावरफुल क्रोमबुक, इसकी जो प्राइस है दोस्तों दैट इज हायर, दैट इज 46,740। जैसे मैंने बताया, सभी के लिंक्स वगैरह दे रहा हूँ, डिटेल्स मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस क्रोमबुक्स के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है क्रोमबुक्स के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इस वीडियो का कुछ फायदा हुआ लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।